विधानसभा सीट जरमुंडी। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से एक जरमुंडी विधानसभा सीट है। दुमका जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद अगर बात करें विधानसभा चुनाव के बारे में, तो साल 2005 में सीट पर निर्दलीय हरिनारायण राय विधायक चुने गए। 2009 में एक बार फिर से हरिनारायण राय निर्दलीय विधायक बने। वहीं 2014 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के बादल विधायक चुने गए। इस बार बीजेपी ने देवेंद्र कुंवर को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने बादल पत्रलेख को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं जेवीएम ने संजय कुमार पर दाव लगाया है। साल 2019 में हो रहे चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सीट पर कुल 2,23,094 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,17,357 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,05,737 है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो इस सीट पर कांग्रेस के बादल पत्रलेख ने जेएमएम के हरिनारायण राय को 2,708 वोटों से हराकर अपना परचम लहराया था। बादल पत्रलेख को कुल 43,981 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जेएमएम के हरिनारायण राय को कुल 41,273 वोट मिले थे, तो वहीं तीसरे नंबर पर रहे बीजेपी के अभयकांत प्रसाद को कुल 29,965 वोट मिले थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर निर्दलीय हरिनारायण राय ने जेएमएम के देवेंद्र कुंवर को 12,184 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। हरिनारायण राय को कुल 35,509 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जेएमएम के देवेंद्र कुंवर को कुल 23,025 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के बादल पत्रलेख को 17,955 वोटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं साल 2005 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर निर्दलीय हरिनारायण राय ने बीजेपी के देवेंद्र कुंवर को 6,309 मतों से शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया था। हरिनारायण राय को कुल 28,480 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे देवेंद्र कुंवर को 22,171 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे आरजेडी के चक्रधर यादव को 8,884 वोट मिले थे। झारखंड बनने के बाद इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो इस सीट पर दो बार निर्दलीय ने कब्जा जमाया है, जबकि 2014 में कांग्रेस ने बाजी मारी है। इस बार गठबंधन होने की वजह से इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।